एक ओनर जिसको पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, जिस जगह पर वो काम करते थे, उस ओनर की डेथ के बाद अचानक से उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे सीक्रेट्स निकले। क्या एक दूसरे पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं? या आज की हमारी 2020 की मूवी डेंजरस लाइज, इसमें हम देखेंगे। इसमें अलग अलग टर्न्स आते हैं और लास्ट का पेबैक भी बहुत अच्छा है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है केटी, इसे एक डाइनर में काम करता हुआ देख सकते हैं। उसका हस्बैंड एडम उसकी शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रहा था। एक्चुअली बहुत ही यंग एज में ही इन्होंने शादी कर ली। एडम स्कूल में है और उसे केटी सपोर्ट करती है। ये दोनों बहुत ही होपफुल थे कि एडम को अच्छी सी जॉब लगेगी तो इनकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अचानक से एक आदमी गन लेकर डाइनर लूटने लगता है। जब उस आदमी का ध्यान नहीं था तो एडम ने उस पर हमला कर दिया। वहां के लोगों को उसने बचा लिया। अब इस इंसिडेंट को 4 महीने गुजर चुके हैं। केटी का अब एक न्यू जॉब है। वो एक रिच ओल्ड मैन की केयर रखती है। इस ओल्ड मैन का नाम था लेनर्ड। लेनर्ड अपने गार्डन को देखकर कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन थी। केटी कहती है, गार्डन को बनाने के लिए तुम किसी को हायर कर सकते हो। लेनर्ड ने कहा कि मैंने एक आदमी को किया था, पर एक दिन अचानक से वो गायब हो गया। उसके बाद वो किसी को भी नहीं मिला। इसके बारे में मूवी में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जब केटी घर पर आती है तो हमें पता चलता है कि आजकल वो एडम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। एडम ने अपनी एजुकेशन छोड़ दी थी, इन पर बहुत सारे लोन्स वगैरह थे और ये पे करना हार्ड जा रहा था, तो एडम सोचता है कि वो जॉब लेगा और ये सब पे करेगा। केटी इसके लिए उसे मना कर रही थी, पर एडम ने माना नहीं। वो कहती है, तुम कभी भी कोई भी बात सुनते नहीं हो। उस दिन डाइनर में उस आदमी पर हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसके पास गन थी, तुम मर सकते थे। केटी अपसेट होकर लेनर्ड के घर के बाहर जरा सोच रही थी, तो लेनर्ड को लगा कि घर में कोई है। वो डायरेक्टली गन लेकर बाहर आता है। केटी उसे पूछती कि तुम गन क्यों लेकर आए? उसने कहा कि हमेशा मुझे घर में किसी ना किसी की तो आवाज आती है। केटी ने कहा कि घर में कोई भी नहीं है। आज रात उसके एडम के साथ जो फाइट हुई थी, इसके बारे में वो बात करते हैं। लेनर्ड ने कहा कि मुझे तुम्हें पैसों की हेल्प करने दो। केटी उसे मना करती है, कहती है एडम को जॉब की जरूरत है। फिर अगले दिन से गार्डन को मैनेज करने के लिए एडम को यहाँ पर जॉब मिल जाता है। एक दिन इनके घर पर एक रियल एस्टेट एजेंट आया जिसका नाम था मिकी। मिकी केटी से कहता है, मेरे क्लाइंट को यह घर बहुत ही पसंद आया है, तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए उतना वो पे कर सकता है। केटी उसे कहती है, यहाँ के ओनर यह हाउस नहीं सेल करना चाहते, पर मिकी बहुत ही कंसिस्टेंट था। केटी को बहुत ही अजीब लगा। एडम भी वंडर करता है कि इस हाउस की कीमत क्या होगी। एडम फिर से इन दोनों की रिलेशनशिप को सुधारने का ट्राई कर रहा था और केटी को भी ट्राई पसंद आया। केटी को जिस एजेंसी के थ्रू जॉब मिला था, उसका ओनर ये लेनर्ड को मिलने के लिए आता है। उसे पूछ रहा था कि केटी किस तरीके से उसका ख्याल रखती है। और लोगों का ख्याल रखते हुए उनका कोई फायदा ना उठाए, इसलिए हमेशा वो इंस्पेक्ट करते रहते हैं। आज लेनर्ड ने केटी को पे कर दिया। जब वे बाद में इस चेक को देखती है तो ये $7,000 का था। ये बहुत ज्यादा पैसे थे। ये दोनों फिगर आउट नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हुआ। फिर केटी को याद आता है कि उसने लेनर्ड से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात की थी। वो कहती है, हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, हमें पैसे नहीं ले सकते। पर आज बहुत ही लेट हो चुका था, अगर उन्होंने बिल्स वगैरह पे नहीं किए तो उनकी बिजली कट जाएगी। तो एडम कहता है, आज हम इस चेक को डिपॉजिट कर देते हैं, बाकी पैसे वापस कर देंगे। अगले दिन केटी लेनर्ड के यहाँ जब काम पर आई तो उसकी डेथ हो चुकी थी। ये नेचुरल डेथ थी। केटी को बहुत बुरा लगता है। एडम उसके पास आया तो लेनर्ड के हाथ में एक चाबी थी। वो वंडर करता है कि चाबी किसकी है। उसने एक बॉक्स खोल कर देखा जिसमें लेनर्ड की बहुत सारी चीजें थी। इसमें वो लेनर्ड की गर्लफ्रेंड के फोटो देखता है। वो जब यंग थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए लेनर्ड ने कभी भी शादी नहीं की। इसी बॉक्स के नीचे उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। अब ये दोनों डिस्कस करते कि इसका करना क्या पड़ेगा। एडम कहता है कि अगर हमने इस पैसों के बारे में किसी को भी बता दिया तो पैसे कहीं ना कहीं पुलिस के लॉकर में पड़ेंगे, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है। केटी भी इसके लिए एग्री करती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, डिटेक्टिव उनसे कुछ क्वेश्चन पूछकर यहाँ से चली जाती है। एडम और केटी ने डिसाइड किया था कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक सारा रूटीन वो सेम रखेंगे। आज केटी फिर से अपनी एजेंसी में न्यू जॉब देखने के लिए जाती है। वहाँ के मैनेजर ने उसे कहा कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें कोई भी न्यू जॉब नहीं दे सकते। इसी के पैरेलल में एडम ने भी बहुत ही अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, पर वो भी रिजेक्ट हो जाता है। वो फिर लेनर्ड के घर में पैसे देखने के लिए आया, पर नीचे से उसे कुछ आवाज आता है। ये वो देखने के लिए गया पर पीछे से उस पर किसी ने हमला कर दिया। जब उसे होश आया तो केटी को अपने पास बुलाता है। केटी सोच रही थी कि एडम पर किसी ने हमला क्यों किया। एडम कहता है, क्योंकि हमें जो पैसे मिले वो $100,000 है, उसने काउंट किए थे। एडम को लगता है कि पहले घर में किसी ने काम किया होगा, उसे इस पैसों के बारे में पता होगा। लेनर्ड ने पहले कहा था कि उसने गार्डनर को हायर किया था, शायद ही वो हो सकता है।
अबे वैसे यहाँ रखना सेफ नहीं, तो एक लॉकर रेंट कर वहाँ वो रख कर आते। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तो मिकी, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है भी या नहीं, ये उन दोनों पर नजर रख रहा था। ये दोनों आज बहुत ही खुश थे तो घर आकर इंटीमेट हो जाते। लास्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए डिटेक्टिव ने केटी को पुलिस स्टेशन बुलाया। डिटेक्टिव कहती है कि लेनर्ड की बॉडी का क्या किया जाए। केटी कहती है कि वो चाहता था कि उसकी एशेज उसके गार्डन में स्प्रेड हो जाए। लेनर्ड का इस दुनिया में कोई भी नहीं, तो इसकी विश केटी कंप्लीट करेगी। इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, फिर भी ये पे करने के लिए केटी रेडी थी। ये बात डिटेक्टिव को जरा अजीब लगी। जब केटी और एडम मेमोरियल पर थे तो लेनर्ड की लॉयर वहां पर आती है। उसने उनसे कहा कि सारी प्रॉपर्टी लेनर्ड ने केटी को दे दी है। एक दिन अचानक से सीक्रेटली उसने उसे बुलाया हुआ था। इस बात पर केटी बिलीव नहीं कर पाए। वो दोनों बहुत ही खुश थे। जाते जाते केटी और लॉयर जब अकेली थी तो लॉयर उसे कहती है, तुम्हें अब सावधान रहना पड़ेगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे हाथ से सारी चीजें जा सकती है। सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिली, इस बात से एडम को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तुम्हें जरा सावधान रहना पड़ेगा। एडम और केटी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत खुश थे, अलग अलग प्लानिंग्स बनाते। अगले ही दिन ये लेनर्ड के घर में मूव इन हो गए थे। एडम को पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ने भी कॉल नहीं किया था। ये बात डायरेक्टिव ने नोटिस की। उसे लगता है कि एडम कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है। आज केटी से मिलने के लिए फिर से मिकी घर पर आया था। वो कहता है कि मुझे लेनर्ड के बारे में पता चला। अब ये प्रॉपर्टी किसी ना किसी को तो सेल करनी ही पड़ेगी। केटी कहती कि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिली है और मैं सेल नहीं करने वाली। मिकी इस बात पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है, इस तरीके की विल कोई भी बना सकता है, मेरी तुम पर नजर रहेगी। केटी ने कहा कि अब नेक्स्ट बार तुम मेरे लॉयर से ही बात करोगे। रात में केटी डिस्टर्ब थी, एडम को इस सारी चीजों के बारे में बताती है। एडम कहता है, हमें मिकी को इग्नोर करना चाहिए, जितनी कम चीजें हमारी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हो उतना ही अच्छा होगा। केटी ने बाथरूम में एडम की एक वॉच नोटिस की जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। एडम पहले भी बोल रहा था कि वो फिर से अब गरीब नहीं रहना चाहता। केटी ने उससे कहा था कि इस तरीके की कोई भी चीजें उन्हें नहीं करनी है, सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए, पर एडम ये बात मान नहीं रहा। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिटेक्टिव केटी के पास आए तो उसे पता चलता है कि केटी को एक घर मिल चुका है। डिटेक्टिव को फिर से इन दोनों पर शक गया। उसने इन्वेस्टिगेशन की। लेनर्ड ने केटी को $7,000 का चेक दिया था, इसके बारे में उसे पता चला। वो उन पर और भी ज्यादा शक करने लगती है। आजकल सारी चीजों को लेकर केटी जरा डर रही थी। वो लेनर्ड के ऑफिस में ढूंढती है कि उसने इतने सारे पैसे रखे क्यों थे। एडम कहता है कि अब फर्क क्या पड़ता है, इस बात को तुम जाने भी दो। डायरेक्टिव ने केटी की एजेंसी के मैनेजर से बात की। मैनेजर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद केटी लेनर्ड का फायदा उठा रही थी। आज केटी जब घर को चेक कर रही थी तो उसे एक एटिक मिला। इसमें एक सीक्रेट डोर था जिसके अंदर जाने पर उसे एक जगह पर डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। वो डिस्टर्ब होकर रो रही थी। एडम उसे सहारा देता है। केटी कहती कि उस आदमी को किसने मारा और क्यों। एडम केटी को बहुत सारे डायमंड्स दिखाता है, कहता है इस वजह से। एडम ने पहले उस डेड बॉडी को डिस्कवर किया था और डेड बॉडी के पास ये डायमंड पड़े हुए थे। केटी को लगता है कि जो गार्डनर यहाँ पर काम करता था शायद ये वही है। ये डायमंड देख ही रहे थे तभी अचानक से केटी की एजेंसी का मैनेजर वहां पर पहुंच जाता है। वो बहुत ही गुस्सा था पर केटी उसे घर में भी अंदर नहीं आने देती। केटी एडम से कह रही थी कि हमें इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। एडम कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई प्रॉब्लम आया तो हम सब कुछ चीजें लूज कर सकते हैं। वो इस बॉडी को ठिकाने लगा देता है। रात में सो रहे थे तभी घर में इन्हें किसी की आवाज आई। एडम ने किटी को बिना बताए गन भी बाय कर ली थी। ये गन लेकर वो बाहर निकलता है पर स्टेज पर एजेंसी का मैनेजर था। ये गन देखकर डर गया और वो नीचे गिर जाता है। उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। इसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। डायरेक्टिव ने केटी से बात की, कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें हो रही है। और ये होना स्टार्ट हुआ जब यहाँ पर एडम काम करने लग गया। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। मुझे पता है कि तुम इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो पर तुम्हें एडम पर नजर रखनी चाहिए। एडम का सस्पिशियस बिहेवियर देखकर केटी भी उस पर शक करने लग गई थी। अगले दिन केटी फिर लॉयर के पास गई। वो सारी चीजें उसे बता देती है। लॉयर ने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि एडम ने ये सब किया होगा तो घर की तलाशी लेंगे। तुम्हें सारी चीजें बहुत ही सेफ रखनी पड़ेगी। केटी फिर लॉयर के साथ जहां पर लॉकर रखा हुआ था वहां पर जाकर चेक करती है तो लॉकर में कोई भी पैसे नहीं। लॉयर कहती कि एडम तुम्हें धोखा दे रहा है, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाएगा। केटी घर पर आई तो एडम सारे पैसे लेकर पैकिंग कर रहा था। एडम उसे कहता है कि मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने उस रियल एस्टेट एजेंट के बारे में और भी जानकारी निकाली। उसने एक्चुअल में एक रॉबरी की थी। ये रॉबरी उसी डायमंड्स की थी। इस रॉबरी में उसका पार्टनर वो गार्डनर था पर उसे पुलिस ने शॉट किया था।
उसे छुपने के लिए लेनर्ड के घर में बहुत ही अच्छी जगह थी, तो यही आकर वो छुप गया। मिकी बहुत ही डेंजरस है, वो इन्हें भी मार सकता है, तो दोनों मिलकर यहाँ से भाग रहे थे। अचानक से मिकी इनके घर में घुस आया, उसने केटी पर गन लगा दी। वो पूछता है कि डायमंड्स का है। एडम ने भी अपनी गन निकाल ली, कहता है कि उसे जाने दो। मिकी एडम को शूट कर देता है। एडम बहुत ज्यादा इंजोर्ड हो चुका था। मिकी उसे देखने के लिए गया, पर एडम भी उसे शूट कर देता है। केटी उसके पास आई। एडम की हालत बहुत ही खराब थी, वो बहुत रोती है। उसके पास ही एडम की डेथ हो गई। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने एडम पर शक किया था। केटी को ढूंढते हुए लॉयर उसके पास आई। जो भी हुआ ये सब बातें केटी लॉयर को बताती है। लॉयर कहती है कि मिकी बहुत ही स्टूपिड था, उसे छोटा सा काम भी करना नहीं आया। वो बातों बातों में डायमंड्स की वर्थ बता देती है, जो 3 मिलियन डॉलर्स थी। केटी को इस बात पर शक आया, तो लॉयर ने भी सब कुछ बातें बता दी। उसने कहा कि मैं मिकी को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो अपनी सिचुएशन से तंग आ गई थी, तो इसी वजह से मिकी को रॉबरी में उसने हेल्प की थी। अब वो केटी पर गन लगाती, कहती कि डायमंड्स का है। वो उसे मारने वाली थी, तभी डायरेक्टिव वहां पर पहुंचकर लॉयर को मार देती है। केटी ने ऑलरेडी डायरेक्टिव को कॉल लगा दिया था। और इसके बाद 4 मंथ्स गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि केटी प्रेग्नेंट थी। उसके पास डायरेक्टिव आई। डायरेक्टिव उसे बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। केटी ने कहा कि अभी मुझे डायमंड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, एडम ने ही उन्हें सेफ रखे थे। इसके बाद डायरेक्टिव यहाँ से चलेगी। हम केटी को लेनर्ड की गार्डन को मेंटेन करता देखते हैं। यहाँ पेड़ के नीचे कुछ पानी गिरा और यहीं पर हम डायमंड को देख सकते हैं। ये डायमंड अब केटी को मिल चुके थे। पुलिस केस भी खत्म हो चुकी है, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।